डोहाना की अनाज मंडी में सरसों खरीद को लेकर जो है किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल भी किसानों ने जो है अनाज मंडी गेट पर जो है ताला लगाकर अपना विरोध जताया था। आज भी जो है किसान यहां पहुंचे हैं सरसों लेकर, लेकिन अभी तक जो है किसानों का आरोप यह है कि अधिकारी जो है खरीद नहीं कर रहे हैं। पिछले चार चार पाँच पाँच घंटे से जो है यहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, किसानों को सरसों की फसल बेचने के लिए जो है लगातार परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइन जो है पीछे लगी हुई है, क्या कहना भाई सर? यहाँ पहुंचे सरसों लेकर सुबह 4 बजे जा रहे हैं जी। SDM साहब के पास भी गए, SDM साहब ने आश्वासन दिया था कि जाकर चलो मंडी में जाते तौल शुरू हो जाएगा, लेकिन इस टाइम तक अभी तक कोई तौल का वो नहीं है, नहीं SDM साहब की सुनाई हो रही ना और किसी की। तो कोई अधिकारी नहीं आ लिया यहाँ पे, नहीं है कोई जवाब दे रहे सोसाइटी वाले भी, कोई नहीं वो कर रहे अभी तक, नहीं है बता रहे भाई इस टाइम तक तौल होगा, ये ना बता रहे कि पूरी तौल लगेगी कि नहीं तौल लगेगी, ये तो ये कह रहे हैं वापस ले जाओ, हम तो बंद करेंगे, मौसम खराब है, कहाँ ले जाएगा जमींदार। तो मौसम खराब होगा तो आगे मान लो अब मौसम आपने चेतावनी दी है तो क्या दिक्कतें आएंगी? सारी दिक्कत आऊंगी, ऊपर से कणक भी आ रही है जी, सरसम है, पहले सुखाई है, मोचर पूरा लेकर आ रहे हैं फिर भी नहीं ले रहे, पहले गिल्ली बता रहे थे अब मोचर सही आ रहा है फिर भी नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो सरसों बेचने आप सरसों लेके आए अभी? लेकर हाँ जी। कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो ये है जी, वैसे सबेरे से आ रहे हैं सारे ये, और कल भी आए थे, कल उन्होंने अधिकारियों ने कहा कि भाई तुम कल ले, आज ये ज्यादा है और कल ले आना और कल तुम्हारी लग जाएगी। तो फिर आप सुबह आए तो हमने देखा तो लाइन तो अभी लगी है, कुछ कर्मचारियों ने बताया कि भाई आज नहीं लेंगे, मैं क्यों नहीं लेंगे, जमींदार कहाँ जाएगा आज, सुपर सरसों का भी तो एंड होने लग रहा, तो आगे आगे कटाई शुरू हो ली, किसी कंबाइन खड़ी है, किसी को तैयारी हो रही है, किसी कुछ हो रहा है। तो अब उन्होंने फिर ये बात कहा कि हम SDM साहब गए, SDM साहब तो नहीं मिले हमने, तो उनका SR था, SR से मिले तो उन्होंने यहाँ सेक्रेटरी से फोन किया, अब इन किसानों का ले हो आप सभी की वाह सरसों में, तो अब हम आए हैं अभी तो फिर ये ला रहे हैं उठान करन, एक गाड़ी पहले गई है और दूसरी अब लगाने लग रहे हैं। और भी किसान क्या हम तो ये कर रहे हैं जी, अपना सुविधा के लिए नंबर वार लगा रहे हैं अपने आप, सरकार की कोई सुविधा नहीं है, किसान को तकलीफ ना हो, किसी ट्रैक्टर फंसे ना आपस में भिड़े ना, ये अपने आप नंबर लगा रहे हैं, देखो जी खुद अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, सरकार की उसकी कोई अपनी सुविधा के लिए बाकी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो कब से खड़े हो यहाँ? हम दस सुबह के खड़े यार, कल भी आए थे जी, कुछ जमींदार कल के भी आ रहे हैं, आज भी आए हैं सुबह 6 बजे आ लिए थे सर, बिकी नहीं अभी कोई, सुबह 4:30-5 बजे से आ रखे, कोई समाधान ही नहीं हो रहा हमारा, ना कोई बातें सुन रहे हैं, SDM के पास में जा रहे हैं तब कोई सुनवा नहीं, वो बोल रहे बोला फोन कर दिया, यहाँ बोल रहे हैं बोला सेक्रेटरी आएगा तब हम प्रोसेसिंग करेंगे, बारदाना उठा तब हम उतरवाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जो इसको किसान को इतनी परेशानी हो रखी है कि ना पानी है ना यहाँ कुछ खाने का बंदोबस्त है, किसी तरह की कोई वो नहीं है। क्या कह रहे थे आप? तो अब यह सुबह सुबह के जो निकल कर आ रहे हैं जो किसान है तो बेचारे भूखे मरते, कोई कुलचे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अपना कोई चाय ले रहा, अब नहीं देख रहे भैया ये उठान कर दे तो भाई किसान अपने घर न चले आ जाए, अपने बेचवाच के। सरकारी अधिकारी तो ये कह रहे थे कि फुल पूरी सुविधा दी जा रही है किसानों को, देख सुविधा तो हम तो जी मान्य है, अगर जब हमारे अपना जो है किसान कोई यूं ना होए, दुखी ना होए, एहसास ना होए, अगर भाई हमारी ये समस्या हो रही है, बाकी नु है कि सरकार तो अपने हिसाब से ठीक कह रही है भाई काम करो, कुछ कर्मचारी में कमी रह रही होंगी जो थोड़ी सी कमजोरी रख दे है उसमें, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूरा हरियाणा में सारे मंडी काम करा, सारे आरती काम करा, गुआना गुआना ना करते, गुआना में गुआना में 160 की दुकान खरीदा, बस पूरे हरियाणा में ले रहे हैं, ले रहे हैं खरखो, अभी देखो सराणम ले रहे, पानीपत में ले रहे, सोनीपत में ले रहे, गनौर में ले रहे, नहीं MSP में नहीं, सरकारी खरीद जैसे क्यों आ गई सरकारी खरीद MSP में, ऐसे सरसम के पूरे आरती खरीदे सारे पूरी MSP का क्या भाव है किसका? सरसों का 650 रुपए आरती का भाव की नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि सरकारी खरीद आरती खरीद दर गवर्नमेंट आरती कमीशन दे, आरती मांग रहे 2.5% गवर्नमेंट दे 1%, और तो आरती आरती तो 4 मांगेगा क्यों देगा गवर्नमेंट, इनका क्यों आकार कर दो, आप खरीदेंगे आरती या इतनी भीड़ हो नहीं एक दुकान बाढ़ सारे आरती खरीदेंगे, जो जिसका बंद रहा अपना जागा गेरा गाउड़े
सरकार उसने कमीशन देगी, वो भरवा के सरकार का लोड करवाओगा। ये क्यों भी लोड हुए हैं? भी तो अपने कमीशन को लेके जो है 5 दिन तक हड़ताल की थी, तो आप जायज मानते हैं? नहीं जायज, जो जितना है इतना है, क्यों आगे 2.5% ले है? सरसम का परसेंटेज में भी तो 56.5% हो गया, 1% में तो 56.5% हो गया। अड़तियां घनी बड़ी चोरी हो रही है, जो जायज होगा तो होगा, 8 दिन तो 2 दिन में इतना रुपया चाहिए जमींदार ने, 6 महीना में इतना नहीं बनता, थोड़ा जायज होगा, सरकार दे रही है तो उसमें कर लो भाई। एक दे रही है, एक महीना सहमति होती डेढ़ में हो जाए, और फिर ये और भी तो हरियाणा की आड़ती खरीदने लग रही है। सरकार का आड़तियों का आपसी वो है, लेकिन ये समस्या काल तो हमें मुश्किल लड़ाई बेला सरकार का बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया, आड़ती तो बढ़िया रुपया बना जाएंगे, इसमें क्यों हमें पल्ला जिरीम बना के सरसम थोड़ी अनुमान ने क्यों भड़क लिया हमने, ये अड़ा दो अगर 2.5% लेंगे हम जहाज ना खरीदे। किराए के साधन लेकर आ रहे हैं जी सभी, ये सुबह से खड़े हैं, किराए वाला का कोई ज्यादा किराया थोड़ी मिलेगा उसको, पूरा दिन उसका वेस्ट हो गया, आगे भी काम करना है उसको। ये हमें जैसे जमींदार हैं, हम भी किसी के किराए पे आ रहे हैं, हमने आगे कनक निकालनी है, वो समय वेस्ट होने लग रहा है, हमारे पास फोन आने लग रहे हैं कस्टमर के, यहाँ बैठ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे? तो बिल्कुल, जो किसान यहाँ जो है अपनी सरसों की फसल लेकर आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि एक तरफ तो मंडी में जो है कनक का सीजन शुरू हो गया है, खेतों में भी जो है कनक कटाई का शुरू हो गया, लेकिन यहाँ जो सरसों लेके आ रहे हैं उनकी सरसों जो है समय पर नहीं बिक रही, जिसके चलते जो है उनको परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। मंडी में ले लो तो दिक्कत है। सोनीपत केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।